नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल वी ओवरसीज। दोस्तों अभी हम जो इंटरव्यू प्लान कर रहे हैं इस महीने के लास्ट में दुबई के लिए और सिंगापुर के लिए, दुबई में जो रिक्वायरमेंट होगी वो गोल्ड मार्केट के लिए, गोल्ड सुक के लिए रिक्वायरमेंट है, जिसमें से हमें सेल्समैन की रिक्वायरमेंट होगी, स्टोर की रिक्वायरमेंट होगी और कैशियर की रिक्वायरमेंट होगी। ये तीन पोजिशन के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी और सैलरी भी काफ़ी अच्छी होगी, मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से होगी। सैलरी ये मान लीजिए कि लगभग जो सैलरी स्टार्ट होती है वो 1500 से लेकर 2500 के बीच में होगी। अब किसको कितनी सैलरी मिलने वाली है वो हम अभी नहीं बोल सकते हैं, वहाँ पर जाके प्रोसेसिंग करने के बाद पता चलेगा। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स जब जमा करेंगे उस टाइम पर उनको रफ आइडिया मिल जाएगा कि उनको इतनी सैलरी ऑफर हो सकती है, रेंज मिल जाएगी, इस रेंज के बीच में उनको सैलरी मिल सकती है। अगर वो कंफर्टेबल होंगे तो उनका फ्लाई होगा और इसमें जिस दिन भी इंटरव्यू होगा उस दिन उनको असेसमेंट का पता चल जाएगा कि बंदा सिलेक्ट हो पाएगा या नहीं, उसको प्रोसेस करना है या नहीं। दुबई में जो वर्क रहेगा वो गोल्ड सुक में सेल्समैन की रिक्वायरमेंट है, स्टोर कीपर की रिक्वायरमेंट और कैशियर की रिक्वायरमेंट है। और ये रिक्वायरमेंट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, नियर अबाउट 15-20 लोगों की रिक्वायरमेंट है। अब जैसे भी हमारा बैच बनेगा, हम कम से कम 15-20 लोगों का बैच बनाने वाले हैं। और जैसे मैंने पहले भी अनाउंस किया कि हमारा ट्रैवल होने वाला है, हम लोग खुद जाने वाले हैं दुबई, सो लगभग सेकेंड वीक में हम लोग का प्लान है। और इस इंटरव्यू के बाद हम इमीजिएटली अपना प्लान फिक्स कर लेंगे, जो लोग भी हमारे साथ में आना चाहते हैं वो लोग इसमें प्लान करके उस दिन मीन जो टाइम रहेगा इस महीने के लास्ट में जो भी डेट फिक्स करने वाले हैं, डेट एग्जैक्टली डेट आपको हम 15-16 के लगभग अनाउंस करेंगे। लेकिन प्रिपेयर रहिएगा, इस महीने के लास्ट में इंटरव्यू जरूर होगा। जो लोग भी जिनकी स्किल मैच होती है सेल्समैन के लिए या स्टोर के लिए या कैशियर के लिए, वो लोग डेफिनेटली तैयार रह सकते हैं कि उनको आना है और आएंगे तो उनका प्रोसेस डेफिनेटली होगा। और डेट हम बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन कैसी होगी कि फूड कितना मिलेगा, अकोमोडेशन कैसा रहेगा, अकोमोडेशन ऑलमोस्ट सभी जगह मिलेगा लेकिन फूड कुछ कंपनियाँ देती हैं, कुछ कंपनी नहीं देती हैं या कुछ कंपनी फूड ना देके अलाउंस देती है। सो जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी वो हम आपको उसी टाइम बताएंगे जब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि जो सैलरी होगी मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से सैलरी होगी, जो दुबई में रेट चल रहा होगा उसी हिसाब से सैलरी मिलेगी। और सैलरी के अलावा कंपनी की तरफ से ओवरटाइम वगैरह जो रहेगा एज पर द लॉ ऑफ कंपनी एंड गवर्नमेंट दोनों का जो रहेगा उसके हिसाब से ओवरटाइम भी मिलेगा। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो 2 साल का रहेगा और 2 साल के बाद ये रिन्यू भी हो सकता है। आपके अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती है और कंपनी आपके परफॉर्मेंस को लाइक करती है, आप कंपनी को लाइक करते हो, तो डेफिनेटली ये रिन्यू भी हो सकता है। अब बात करते हैं सिंगापुर के लिए। सिंगापुर में जो इंटरव्यू होगा एक दिन सिंगापुर के लिए होगा, एक दिन दुबई के लिए होगा। जिस दिन भी सिंगापुर के लिए इंटरव्यू होगा उसमें हमारा जो फोकस होगा, फोकस स्टडी वीजा के ऊपर ज़्यादा होगा क्योंकि स्टडी वीजा के कैंडिडेट को जल्दी फ्लाई किया जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट रहेगा वर्क परमिट का, उसके बाद एस्पा सी पास का। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो में आपने देखा होगा कि वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा आने वाली है और वो वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट ऐसे होगी विद इन मंथ फ्लाइट होने के चांसेस हैं। जैसे भी सिंगापुर गवर्नमेंट वीज़ा निकालना शुरू करती है, परमिशन देती है इंडियंस के लिए, तो उसके बाद जैसे भी वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट आएगी उस टाइम पर विद इन अ मंथ कैंडिडेट का फ्लाई हो जाएगा। और हमारे पास रिक्वायरमेंट के लिए मुश्किल से 7-10 दिन का टाइम होगा। तो जो लोग भी वर्क परमिट के लिए इंटरेस्टेड है, जिनका प्रोफाइल वर्क परमिट में मैच होता है, वो लोग रेडी रहें और जब भी हमारा इंटरव्यू को अटेंड करने आए और जैसे उनका प्रोसेस होगा हम डेफिनेटली प्रोसेस करेंगे। दोस्तों हमने इस वीडियो को पहले से क्यों अपलोड किया, क्योंकि समय अगर आप फिट होते हैं तो प्लान कर सकते हो, समय वैसे ही वेस्ट ना जाए। क्योंकि जब कभी रिक्वायरमेंट आती है 7 दिन का टाइम होता है, 7 डेज के अंदर रिक्वायरमेंट चली जाती है, फिर कैंडिडेट बाद में अप्लाई करने के लिए इंटरेस्ट दिखाते हैं। लेकिन अभी ये क्या है, मैं पहले से अपडेट कर रहा हूँ कि इस टाइप की रिक्वायरमेंट आने वाली है, जिसका इंटरव्यू जो इंटरव्यू रहेगा वो इस महीने के लास्ट वीक में रहेगा। और अभी से माइंडसेट बना के रख सकते हो कि आपको अप्लाई करना है तो तैयार रहिए, सो दैट जो हमें टाइम मिलेगा 7 दिन का, उस पीरियड में हमारे कैंडिडेट सबसे पहले अप्लाई हो। और जो सबसे पहले अप्लाइड होते हैं ना, उन लोगों का प्रोसेस डेफिनेटली हो जाता है, जो बाद में सबमिट होते हैं कभी कभी उनको वेट करना पड़ जाता है। और इसके बाद एस्पा सी पास, जो प्रोफाइल्स हमारे पास अवेलेबल होगी, वैसे हमारे पास उस टाइम पर जो वैकेंसी अवेलेबल होगी उसका एक वीडियो आपको 20 तारीख तक मिल जाएगा, कन्फर्म है कि कौन कौन से वैकेंसीज को हम टारगेट करने वाले हैं। जो 15-16 लगभग रहेगा उसमें शेड्यूल फिक्स हो जाएगा और 20 तारीख के लगभग कौन कौन सी वैकेंसी को हम टारगेट करने वाले हैं वो सारी वैकेंसी का वीडियो आपको 20 तारीख के लगभग मिल जाएगा। दोस्तों इसमें हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे भी सिंगापुर ओपन होता है वीजा इशू करने के लिए, उसके बाद जितने मैक्सिमम लोगों को हम भेज सकते हैं इस इंटरव्यू के थ्रू भेजना चाहते हैं।
अभी आपको शायद पता हो या ना हो, सिंगापुर के लिए जो भी वीजा निकलते हैं, हर कंट्री के लिए वीजा निकलते हैं, उसमें कोटा निकलता है। अभी यहाँ पर देखा जाए तो ई पास का कोटा बहुत कम होता है, बहुत कम, उससे थोड़ा ज्यादा कोटा होता है एस पास का, और वर्क परमिट का उससे भी ज्यादा होता है, स्टूडेंट के लिए अनलिमिटेड होता है। तो जैसे कोटा परमिट करेगा वैसे ही हम प्रोफाइल पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जितने ज्यादा लोगों का प्रोसेस होएगा उतना हमारे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि जो जितनी जल्दी फ्लाई कर जाए, जितनी जल्दी उसका ऑफर लेटर आ जाए, वीजा आ जाए, उसके लिए अच्छा होता है। काम तभी अच्छा माना जाता है जब काम फास्ट होता है, लेकिन कोटा में कितनी सीट्स हैं वो हमें ध्यान में रखना होगा। इसलिए जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, अगर दूर के लोग हैं वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, डॉक्यूमेंट्स सेम डॉक्यूमेंट जो हमें हमेशा बोलता हूँ, अपना पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक कलर स्कैन कॉपी, अगर पासपोर्ट पर स्टिकर्स लगे हैं दूसरी कंट्री की वीजा के तो वो स्कैनिंग कॉपी उसकी भी चाहिए, फोटो, रिज्यूमे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, सभी डॉक्यूमेंट प्रॉपर स्कैन करके, मोबाइल से फोटो नहीं लेना, प्रॉपरली स्कैन करके आप हमारी ईमेल आईडी jobs@bbboverseas.com पर भेजेंगे। जो डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की जाएगी आप उसी को फॉलो करें, और जो नंबर दिया जाएगा उसी नंबर पर कॉल करें, और इसमें जो टाइमिंग रहेगा 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, सोमवार से शनिवार, रविवार के दिन कॉल ना करें। और अगर ऑफिस टाइम के बाद में अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप मुझे उस व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल भेजेंगे, आपका पूरा नाम, सिटी, अपडेट, क्वेश्चन, भेजने के बाद आपको क्या क्या जानकारी चाहिए वो मेंशन करेंगे। आपको 3 से 4 वर्किंग डेज में, चूंकि हमारे यहाँ पर 20 तारीख तक थोड़ा स्टाफ की कमी रहेगी, तो 3 से 4 वर्किंग डेज में आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। कुछ लोगों को नेक्स्ट डे रिप्लाई मिलेगा, कुछ लोगों को उसके दूसरे दिन मिलेगा, लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा, थोड़ा वेट करना होगा। और इसमें हमारी कोशिश ये होगी कि जितनी ज़्यादा लोगों को हम रिप्लाई करेंगे उतने ही ज़्यादा लोग इसमें अटेंड करेंगे। दोस्तों इंटरव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंगापुर के क्लाइंट को हमने यहाँ पर बुलाया हुआ है, और वो जो प्रोसेस रहेगा काफ़ी हेल्दी होगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सकता है, जो रिलेवेंट हो गया वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।